ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, क्या संस्कार दूँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए नवेली सीएम हैं। इन्होंने औरतों के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है कि औरतों को फटी हुई जीन्स में देखकर हैरानी होती है। उनका कहना है कि इससे सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा। देहरादून में दो दिन की एक वर्कशॉप होनी थी जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था। वर्कशॉप का टॉपिक था बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास। 16 मार्च को तीरथ सिंह रावत को वहां चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहां बच्चों को किस तरह की परवरिश दी जाए, क्या सिखाना चाहिए, जिस बात पर उनकी बात हुई और मुद्दे से कूदकर वो महिलाओं के कपड़ों पर आ गए। सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि जिस पर बवाल हो रहा है वो बात यह है कि सीएम ने कहा युवाओं में नशा करने की बीमारी बढ़ती जा रही है, अगर इससे बच्चों को बचाना है तो उन्हें संस्कार देने होंगे, बच्चों को वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से बचाना होगा। सीएम ने कहा कि पश्चिमी देश भारतीय संस्कृति की महानता को समझ चुका है, इसलिए अब वो हमारी संस्कृति का पालन कर रहा है, योग कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे देश के युवा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होते जा रहे हैं। नंगे घुटने दिखाए जा रहे हैं, फटे डेनिम पहने जा रहे हैं, ये सारे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? अगर इसे घर में नहीं सिखाया जा रहा है तो क्या स्कूल और टीचर्स की गलती है? इसी पर टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा कि स्टेट चलाते हैं आप और ऐसी सोच रखते हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने बहुत छांट कर उत्तराखंड को सीएम दिया है। इतना बीमार आदमी देश और समाज दोनों के लिए कोविड से ज्यादा खतरनाक है। भरी सभा में उत्तराखंड के नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि मैंने फ्लाइट में पहले एक महिला के पैर देखे, फिर घुटने देखे, उसकी फटी जीन्स देखी, फिर हाथ देखे और उसके बच्चों को देख कर कहा कि कैसे संस्कार है तुम्हारे। आप सोच सकते हैं कि जब नेता ऐसा हो तो प्रजा से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। शायद आपको पता हो तो घुटनों से ऊपर तक हाफ पैंट पहनने वाले आरएसएस के प्रचारक रहे हैं तीरथ सिंह रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएएनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को कपड़ों से पहचान लेने का जो दावा किया था, तीरथ सिंह रावत ने उसी सोच का इजाफा किया है। कुछ दिन पहले तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी राम और विष्णु के अवतार हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हमें एक आदत है कि हम काले गोरे, अमीर गरीब, जाति धर्म, लड़का लड़की के नाम पर सर्टिफिकेट देते हैं और औरतों का बदन और टांगों को निहारते हुए उनके संस्कार का सर्टिफिकेट देने की बीमारी हम लोगों में आ गई है और ये बीमारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी बीमारी और बीमार को स्वीकार करना सिर्फ लड़कियों को ही नहीं पूरी मनुष्यता का अपमान है। औरतों के घुटनों को ना देखते हुए उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करना शायद तीरथ सिंह रावत के संस्कार नहीं है, क्योंकि उनकी सोच वहीं आकर ख़त्म होती है। क्योंकि ऐसे लोग जिनकी सोच घुटने देखने में हो तो उनकी अकल भी घुटनों में ही होती है। उनको डर लगता है औरतों की हिम्मत और संघर्ष से, क्योंकि औरतों को जिंदा इंसान नहीं शेल्फ का सामान समझते हैं। शायद सीएम साहब को लड़ती हुई लड़कियाँ और पढ़ती हुई लड़कियाँ, आगे बढ़ती हुई लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। जिस दिन औरतों को पर्दे, सिंदूर, साड़ी, बिंदिया से नहीं, उनके दिमाग और समझदारी और इस समझ के साथ अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए समझने लगेंगे, तो शायद सीएम को उनके घुटनों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेरुआ और सफ़ेद पहनने वाले तमाम श्वेतकारों के संस्कार हम आसाराम से चिन्मयानंद तक देख चुके हैं। संस्कार कपड़ों में नहीं होता, आपके एग्जिस्टेंस में होता है, आपके अस्तित्व में होता है। लड़कियों का कहना है कि रिप्ड जीन्स इज बेटर रिप्ड माइंड, ये ज़्यादा बेहतर, रिप्ड दिमाग से रिप्ड जीन्स ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने कहा कि अंकल हमारी जीन्स फटी हुई नहीं है, आपके दिमाग में छेद है। लाखों लड़कियों ने स्ट्रिप जीन्स में सोशल फोटोज़ अपलोड करके इसका विरोध किया है
आप इस खबर को किस तरह देखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।